हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। यहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का लक्षण होता है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो होता है वो जा करके महिला की यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाता है और वहाँ से प्रेगनेंसी की शुरुआत शुरू हो जाती है। ये जो दर्द होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स, ये पेट के किस हिस्से में होता है, पीरियड्स के कितने दिन पहले होता है और कब तक होता है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी कि ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स है, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रह चुका है, तो इसके लिए मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर ये आपको इस तरह का दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि 100% आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे ये क्रैम्प्स कब से आए थे, पीरियड्स के कितने दिन पहले आए थे और मैंने कब प्रेगनेंसी टेस्ट करके कन्फर्म किया था। तो अगर किसी को इस टाइप के क्रैम्प्स महसूस होते हैं अपने पेट में, तो आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि आपका सक्सेसफुल गर्भधारण हो गया है। बाकी ये कब आते हैं, कितने दिन पहले आते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स जो होता है, ये प्रेगनेंसी के बाकी सिम्टम्स की ही तरह होता है। जैसे कि आपने को सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के पता होंगे कि बहुत सारे, काफ़ी सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। हमारे चैनल पे मैंने 12 प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी बताए हैं। अगर उनमें से 4-5 सिम्टम्स भी आपको आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका गर्भधारण हुआ है। उन्हीं में से ही एक इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी होता है। ये दर्द लगभग सभी सिम्टम्स की तरह ही आवश्यक है, जो कि सभी को ही आता है। मैक्सिमम 80% वीमेंस को तो आता ही है, 20% में इसलिए नहीं आता क्योंकि उनमें हार्मोन्स की कमी होती है, तो उनके कई बार तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आता प्रेग्नेंट होते हुए भी। तो उन 20% वीमेंस में नहीं आता हार्मोन्स की कमी की वजह से, उनका गर्भधारण हो जाता है फिर भी। बाकी 80% में ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते हैं। अब ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स हैं, ये आपके पीरियड्स के कितने दिन पहले होते हैं और पेट में किस तरफ, किस हिस्से में पेट के होते हैं। ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स जो है, ये आपके पीरियड आने के 2 दिन पहले, जो आपकी पीरियड की डेट है उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले और 6 दिन पहले भी हो सकते हैं। और ये पेट के आपके हिस्से में बीचों बीच में महसूस होगा। ये आपको कोई दाएं तरफ बाएं तरफ इस टाइप का दर्द नहीं होगा, ना कोई आपको ये चुभने वाला दर्द होगा कि आपको कोई चुभन सी महसूस हो रही है या आपको बहुत तेज़ दर्द आ रहा है, ऐसा टाइप का दर्द नहीं होता है। ये दर्द आपको आपके पेट के बीचों बीच हिस्से में ही महसूस होगा। और ये दर्द पीरियड के दर्द से मिलता जुलता दर्द होता है। मतलब कि जैसा कि पीरियड आने पर दर्द महसूस होता है पेट में, कि लगता है कि अब हमारा पीरियड्स आने वाला है, सेम वैसा ही मिलता जुलता ये दर्द होता है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये थोड़े थोड़े टाइम पे आता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा और फिर रुक जाएगा। इस तरह से ये दर्द आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक इसी तरह से महसूस होता रहेगा। कभी आपको लगेगा कि अब पीरियड आया, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर थोड़ी देर समय बाद ये दर्द आपको उठेगा, समझ लीजिए आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद ये दर्द उठेगा, और फिर आपको लगेगा अब लगता है पीरियड आएगा, फिर ये नहीं आए। इस तरह से 3 से 4 दिन तक इसी तरह से चलता रहता है। ये दर्द ही बता देगा आपको कि आपने कंसीव कर लिया है, आपका गर्भधारण हो गया है। ये सबसे पहला लक्षण होता है जो आता है। बाकी के जितने भी लक्षण हैं, वॉमिट आना, नौजिया लगना, कमर दर्द होना, ये तमाम जो लक्षण हैं ये 3 से 4 दिन बाद दिखते हैं प्रेग्नेंट होने के। लेकिन ये जो लक्षण है ये तुरंत ही समझ में आ जाता है, कि आपके पीरियड डेट के मिस होने से पहले ही समझ में आ जाता है कि अब आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क करने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पीरियड का दर्द भी इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के जैसा ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है कि पीरियड्स आने वाला है या इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स है। और ये दर्द आपके पेट के बीचों बीच हिस्से में ही होता है। और लेकिन जब भी ये दर्द होता है, इससे आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि गर्भधारण हुआ है। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे ये दर्द मेरे पीरियड डेट से 4 दिन पहले हुआ था। मेरी पीरियड डेट जो कि मुझे याद है अभी भी,
10 तारीख थी महीने की, और ये जो दर्द मुझे हुआ था ये मेरी पीरियड डेट से 4 दिन पहले 6 तारीख को महसूस हुआ था। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे अब पीरियड आया तब पीरियड आया, और ये एक बराबर नहीं आता कि बस अब आने लगा है तो एक बराबर आपको ये दर्द सारा दिन महसूस होगा, आएगा थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद फिर हल्का हल्का आपको पेट में महसूस होगा चलते फिरते लेटते। जब आप आराम से लेटे होंगे या फिर आप फ्री होंगे, कुछ ऐसा आप कोई काम नहीं कर रहे, तभी ये आपको दर्द ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये हल्का रहता है। तो इसी तरह से ये मेरे साथ भी हो रहा था, थोड़ी थोड़े अंतराल पे आ रहा था और फिर चला जा रहा था। तो मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैं भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद अब मेरे पीरियड आ गए, शायद कंसीव नहीं कर पाई मैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये थोड़े थोड़े टाइम अंतराल पे आ रहे थे और अपने आप चले जा रहे थे, लेकिन पीरियड्स नहीं आया, सिर्फ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आए। पहले इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आए और उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आए, जो कि स्पॉट्स के रूप में थी, ब्राउन स्पॉट्स थे। बहुत सारे लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में भी फ़र्क नहीं पता है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ चैनल पर हैं जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आप डीपली जानना चाहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और वीडियो सेक्शन में भी आप सारे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, आपको पूरी डीप जानकारी मिल जाएगी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में कैसे आप वर्क कर सकते हैं। तो मेरे जब इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आए उसके बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आई जो कि स्पॉट्स की जैसी थी, और फिर 4 दिन तक जो मेरी पीरियड डेट थी 6 से ये शुरू हुआ था और 10 मेरी पीरियड डेट थी, नहीं आया। फिर मैंने वेट किया, 4 दिन और वेट किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव ना आए, पॉजिटिव आए भले मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने और 4 दिन वेट किया, अपनी डेट से ऊपर 4 दिन तक वेट किया, जब नहीं आए पीरियड्स, 1 हफ्ता बीत गया, तो फिर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। तो ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स का है ये मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और इसलिए मैं इसमें बहुत श्योर हूँ कि आपको बस फ़र्क करने की, समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वो भी आपको अपने पीरियड डेट तक। बहुत सारे लोग हैं ना हड़बड़ा जाते हैं कि अच्छा ये अब दर्द तो आ रहा है, इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस आपको सब्र करने की ज़रूरत है, और वो भी आपको अपने पीरियड डेट तक अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने भी इंतज़ार ही किया था क्योंकि मेरे पीरियड डेट नहीं आई थी, वो भी 4 दिन दूर थी, तो इसलिए मुझे इंतज़ार करना ज़रूरी था, कंफर्म करना ज़रूरी था। तो अगर आपको इस टाइप का दर्द महसूस हो तो आप इंतज़ार करिए, और साथ ही सावधानी ज़रूर रखिएगा क्योंकि इम्प्लांटेशन टाइम में लोग कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होते होते सडनली फेल हो जाता है, पीरियड्स मिस होते होते अचानक से हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है तो आप अपने पीरियड से 1 हफ्ते पहले वो सारी सावधानियां रखना शुरू कर दीजिए जो कि लोग प्रेग्नेंट होते टाइम रखते हैं, जो कि घर के बड़े बूढ़े प्रेगनेंसी में रखने के लिए कहते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसी कोई गलती मत करिएगा कि आप अपने पीरियड्स टाइम में बहुत हैवी सामान उठाएँ, बहुत स्पाइसी तली हुई भुनी हुई चीज़ें खाएँ, सीढ़ियाँ चढ़ें उतरे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, क्योंकि ऐसा करने से इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने जा रहा होता है लेकिन वो अचानक से फेल हो जाता है, और फिर लोगों को लगता है कि हमें सिम्टम्स तो सारे आए थे, फिर अचानक से इतनी हैवी ब्लीडिंग क्यों हो गई या अचानक से इतने क्लॉट्स क्यों आ गए। इसका रीज़न यही होता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा था लेकिन वो नहीं हो पाया, वो फेल हो गया किसी गलती से जो कि आपसे अनजाने में हो गई और आप नहीं समझ पाए। तो इसलिए हमेशा अपने पीरियड टाइम में सावधानी रखिए जब तक कि आपके पीरियड्स आ नहीं जाते हैं। ठीक है, ये थी ज़रूरी जानकारी, होप्स हो कि आपकी हेल्प हुई हो और जो मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई हो। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ पर्सनली आपको पूछना है या फिर आप कोई रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा 6633। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे